बच्चों का जुलूस निकला, इन्हीं की वह माए थी, वह इन्हीं की बहनें थी, इन्हीं की वह बेटियां थी। मैं हैरान हूँ कि जिस सड़कों पे औरत निकला है, हुकूमत को गैरत होनी चाहिए, उसको गैरत करनी चाहिए कि आप कल यही बच्चियाँ, आपकी भी बच्चियाँ, आपकी बेटियाँ भी सड़कों पर जब आएंगी तो उस वक्त आपका क्या असर होगा। अगर यह मैं ज़रूर समझूंगा, अगर आप बेटियों वाले होंगे तो गैरत खाएंगे, अगर बेटियों वाले नहीं होंगे तो आपकी बेटियाँ भी सड़कों पर दानस करेंगी, तब भी आप खुश होंगे कि हमारी बेटियाँ दानस कर रही है। महंगाई का जिसका अंदाज़ा नहीं, यह कहूँगा कि यह देखिए मैं अंदाजा मैं पकड़ा हुआ सड़कों पे फिरता हूँ, घूमता हूँ, बाल बच्चे रोजी पैदा करता हूँ, अब बिल मेरा आए अगर 10,000 रुपये का तो मैं ये समझता हूँ इन बेगैरतों का पेट भरूँ, जाके अपने बाल बच्चों का पेट भरूँ। इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, वो जो दंदासा बेच कर अपने घर का निज़ाम चलाते हैं। क्या कहते हैं जी इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर भर में महंगे आटे के हवाले से, बिजली के बिलों में इजाफी, जो टैक्सीज हैं उस हवाले से आवाम सरापा एहतजाज है, और जो हमारे हुक्मरान हैं उनको टस से मस नहीं, कई माह से ये तारीख चल रही है और अभी तक उसके ऊपर उस तरह कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, और अवामी मसाइल को हल करने के लिए सिर्फ जो कमेटियाँ वो बनाई गई हैं वो कमेटियाँ भी अभी तक अपना काम दिखाने में नाकाम हो चुकी हैं, तो इस वक्त आम आदमी के लिए किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मशकूर हूँ जी आपका। मैं लंबा बयान तो नहीं दूंगा क्योंकि आगे मैंने बहुत बयान दिए, सिर्फ इतनी बात जरूर कहूँगा कि हजाज बिन यूसुफ औरत के आवाज़ पे उठा, उसने मुल्कों के मुल्क फतह किए और उसने औरत को तहफ़ुज़ अता किया। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि आज दो तीन दिन पहले बच्चियों का जुलूस निकला, इन्हीं की वह माएँ थी, वह इन्हीं की बहनें थी, इन्हीं की वह बेटियाँ थी। मैं हैरान हूँ कि जिस सड़कों पे औरत निकला है, हुकूमत को गैरत होनी चाहिए, उसको गैरत करनी चाहिए कि आप कल यही बच्चियाँ, आपकी भी बच्चियाँ, आपकी बेटियाँ भी सड़कों पर जब आएंगी तो उस वक्त आपका क्या असर होगा। अगर यह मैं ज़रूर समझूंगा, अगर आप बेटियों वाले होंगे तो गैरत खाएंगे, अगर बेटियों वाले नहीं होंगे तो आपकी बेटियाँ भी सड़कों पर दानस करेंगी, तब भी आप खुश होंगे कि हमारी बेटियाँ दानस कर रही है। शर्म होना चाहिए, गैरत होनी चाहिए इस हुकूमत को। बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के हुकूमत को मैं पुरजोर अपील करूँगा कि कम अज़ कम खुदा का खौफ खाते हुए इस मसले को हल करें, यह ना हो कि कल यही कौम बगावत पे उतर आए और आपका बेड़ा गर्क हो जाए। दोबारा कोई बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहूँगा सर के अयूब खान का दौर था, अल्लाह से बेशुमार जगह अता करे, उसने अपना निज़ाम हुकूमत बहुत ज़बरदस्त चलाया। जब मुस्लिम लीग बार से आई तो उसी का बेटा गौर अयूब कहता कुत्ता अयूब कुत्ता हाय हाय अयूब कुत्ता हाय हाय। जब उसने इस्तीफा दे दिया, फारग हो गया, कुछ दिनों के बाद जब हालात बिगड़ने लगे, वही बच्चे जाके उसको कहते हैं कि सर आप आए हुकूमत का निज़ाम संभालें, लेकिन वह कहने लगा अब यह कुत्ता बूढ़ा हो गया इसलिए मैं ये निज़ाम नहीं संभाल सकता। मैं यही कहूँगा कि देखिए ये अपना मुल्क है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे कश्मीर है, इस जहाँ जो भी उसमें बसने वाला है वो उस मुल्क का मालिक होता है। लेकिन मैं ये हैरान हूँ, ये मालिक होकर खुद अपने मुल्क को खा रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क कर आवाम को खस्ता हाल कर रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी खुदा का खौफ खाते हुए इन मुल्क पे आराम करें, इस कौम पे आराम करें। ये इतनी महंगाई कि जिसका अंदाज़ा नहीं, ये कहूँगा कि ये देखिए मैं अंदाज़ा मैं पकड़ा हुआ सड़कों पे फिरता हूँ, घूमता हूँ, बाल बच्चे रोजी पैदा करता हूँ, अब बिल मेरा आए अगर 10,000 रुपये का तो मैं ये समझता हूँ इन बेगैरतों का पेट भरूँ, जाके अपने बाल बच्चों का पेट भरूँ। इसलिए बराए मेहरबानी आवाम पे तर्स खाए और गर्द खाते हुए मसले को हल करें, मेहरबानी। बिल्कुल जी, चाचा जान की आपने गुफ्तगू सुनी कि बड़े जरहाना अंदाज में वो बता रहे थे कि एक मेहनतकश के लिए किस कदर मुश्किल से इस वक्त गुजारा हो रहा है, ये दंदासा बेच कर अपने घर का निज़ाम चला रखे हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल है, बढ़ती हुई महंगाई है, उसकी वजह से लोग आए रोज़ तंग हो रखे हैं और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो हमारा जो हुक्मरान तबका है वो अयाशियों में मसरूफ़ है, इनका यही कहना है कि जो हुक्मरान तबके को अपनी अयाशियाँ छोड़कर गरीब आदमी के जो
मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए ताकि गरीब आदमी भी दो वक्त की जो रोटी है वो आसानी के साथ खा सके और इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको कम किया जाए और एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनको पूरा माना जाए, उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए ताकि आवाम के अंदर जो पाया जाने वाला गम व गुस्सा है वो ख़त्म हो सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह नेकबान।